अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज इस प्यार से निकर शर्ट को बनाना सीखते हैं। बेसिकली इस निकर शर्ट के लिए अलहदा से फैब्रिक परचेज़ नहीं किया, ये एक शर्ट में से पीस बचा था। तो क्लाइंट ने कहा कि आप मुझे इसका कुछ बना दें, तो इसका एक निकर शर्ट भी बन सकता था 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो इसकी मेजरमेंट्स हमें चाहिए, इसकी 12 इंचेस हमें विड्थ चाहिए और 16 इंचेस इसकी लेंथ चाहिए थी। तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। ये हमारे फ्रंट और बैक साइड के 2 पीसेस हो गए। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इसका कंधा कट करने के लिए मतलब आर्म होल कट कर लेंगे। तो आर्म होल मैंने माप के अकॉर्डिंग कट कर लिया था और अब हम इसकी बाकी की कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हमने इसकी सारी कटिंग कर लेनी है। अब जो अंदर वाला मतलब फ्रंट वाली साइड का जो पीस है, इसकी थोड़ी सी कंधे से आर्म होल से थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग कर लेंगे, ताकि ये स्लीवलेस होगा तो इसमें पाइपिंग की हुई ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिनको स्लीवलेस पसंद ना हो वो स्लीव्स भी लगा सकते हैं। इसके साथ तो फैब्रिक ही नहीं बचा था, बड़ी मुश्किल से ये टॉप और इसके साथ निकल थी वो ही बन सकती थी। तो आप लोग इसके स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, फर वाली बना लें तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अच्छा, अब हम इसका जो नेकलाइन है उसको कट करेंगे। इसके ऊपर कॉलर लगना है, तो हमने इसका थोड़ा सा कम छोटा नेकलाइन कट कर लेना है इस तरह गुलाई में। तो मैंने इसके जो फ्रॉक इसका माप आया था उसके हिसाब से इसकी गुलाई कर ली थी। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। जो बैक साइड है वो वहाँ से हमने कट नहीं करना, सिर्फ फ्रंट साइड से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने इसका पहले ड्रा कर लिया चौक के साथ और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग करनी थी। अच्छा, ये हमारी फ्रंट साइड तो रेडी हो चुकी है। अब इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। इसके अंदर हमने ब्रैकेट्स अटैच करनी है। तो यहाँ ये स्टैम नज़र आ रही थी, तो इस पर मैंने फैब्रिक पेंट लगा कर इसको कवर कर दिया। ये मैंने ब्रैकेट्स लगा से कट कर लिया है। ये जब मैं लगाऊंगी तो आपको तरीका समझा दूंगी कि किस तरह से लगानी है। तो पहले हम इस तरह से इसके कंधे अटैच कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। इसके दामन पर थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करना है, इलास्टिक डालना है वो डालेंगे और इसके एंड पे हमारा जो कॉलर है वो लगेगा और ब्रैकेट्स बनेगी। तो पहले हमने ये कंधे अटैच कर लिए हैं। इसके साथ मैं इसका कॉलर भी तैयार कर लेती हूँ। कॉलर की हमने लंबाई ले ली थी 14 और इसका जो गुलाई थी वो 13 थी। तो इसकी मैंने 14 इसलिए ली कि सिलाई का मार्जिन रख लिया था मैंने, ताकि सिलाई के अंदर भी कपड़ा जाएगा तो कंप्लीट ये 13 का बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने लेस लगाकर ये हमारा कॉलर भी रेडी हो चुका है। कॉलर की एक साइड थोड़ी सी हमने फोल्ड करके रखनी है और एक साइड बिल्कुल सीधी फोल्ड की हुई जो साइड है वो ऊपर सिलाई के आएगी और इस तरह आपका कॉलर नीट लगेगा। तो यहाँ मैंने सारी फिटिंग की सिलाई लगा कर जो दामन था उसको फोल्ड कर लिया। अब इसके अंदर मैं इलास्टिक डालूंगी। ये इसकी लंबाई तो 13 थी, मतलब विड्थ 13 थी, तो इसके अंदर मैंने 16 लेंथ का इलास्टिक डाल दिया है। अब ये प्लेकेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। प्लेकेट्स की दोनों साइड्स जो है हमने इस तरह से स्टिच कर लेनी है, ताकि ये इसके कॉर्नर्स बिल्कुल सीधे आए। के ऊपर वाली साइड थोड़ी सी हमने फोल्ड रखनी है। प्लेकेट लगाना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तो ऊपर वाली साइड हमने फोल्ड रखनी है और नीचे वाली साइड को बिल्कुल सीधा छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका जो प्लेकेट है वो आसानी से अटैच हो जाएगा। नेकलाइन जो हमने राउंड कट किया था इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कॉर्नर बना लेने हैं। इसमें जो नीचे तक मैंने कट लगाया है यहाँ तक हमारी प्लेकेट आएगी और ऊपर जो बाकी कपड़ा बच गया है इस पर हमारा जो कॉलर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्लेकेट अटैच कर लेनी है। पहले मैंने एक प्लेकेट अटैच, इसके बाद जो दूसरे वाली नीचे आनी थी वो अटैच की थी। तो इसका ये आसान सा तरीका है, जब आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है तो पहले ऊपर आपने लॉक स्टिच लगा लेना है और इसके बाद जो फोल्ड किया हुआ होगा कपड़ा उसके ऊपर आसानी से आपकी सिलाई लगती हुई जाएगी। कॉर्नर्स अगर नीट नहीं बनते तो आप पहले इसको नीडल के साथ स्टिच कर लें, इसके बाद आप लॉक सिलाई भी लगा सकते हैं। जब भी आप कॉलर लगाने लगे, बैन हो गया, प्लेकेट्स हो गए, इस तरह से अगर कॉर्नर बनाना हो तो आप लोग पहले नीडल के साथ उसके कॉर्नर्स को फोल्ड करके अच्छी तरह से बाइंड कर लें और उसके बाद बाकी की सिलाई लगा लें, तो आपका जो बैन है या कॉलर है वो बड़ा नीट लगेगा। तो प्लेकेट्स मेरी लग गई हैं, इस पर मैं टिच बटन लगाऊंगी, वो मैं एंड पे लगाऊंगी, पहले हम कॉलर लगाते हैं। तो जो हमारा कॉर्नर बच गया था वहाँ से हमने स्टार्ट कर लेना है कॉलर। कॉलर की एक साइड मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी, दूसरी साइड को मैंने वैसे ही रहने दिया था। तो पहले हम उस साइड को कम्प्लीट करेंगे, उसके साथ इस तरह से शर्ट को अटैच कर लेंगे। शर्ट हमने सीधी रखनी है और कॉलर को उल्टा रख कर उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने एक ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करके ऊपर जो सिलाई वाला एरिया था जिसको मैंने फोल्ड किया हुआ था उसको इस तरह से रख कर अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मेरा ये बड़ा प्यारा सा नीट सा कॉलर लग जाएगा। तो ये चीज़ मैंने फोल्ड कर ली हुई थी, ये इसलिए मुझे आसानी हो गई सिलाई लगाने में, क्योंकि ये पहले से ही फोल्ड थी। तो आपने मैंने भी इसके कॉर्नर जो थे वो नीडल और धागे के साथ इसको मैंने अटैच कर लिया था, ताकि इसके कॉर्नर जो हैं वो नीट बने और मेरी जो सिलाई है वो आसानी से लग सके। तो इस तरह से मैंने ये कॉलर भी लगा लिया है।
जिनको बैन वगैरह नहीं लगाना आता वो इस तरीके को फॉलो करके लगा सकते हैं। सेम यही तरीका होगा कॉलर लगाने में भी और बैन लगाने में भी, बस फिनिशिंग आपने अच्छी करनी है और इस तरह से ये आपका कॉलर बड़े आसानी से लग जाएगा। और ये है हमारा ड्रेस जो मैंने रेडी कर लिया है, इसके साथ मैंने निकर बनाई थी। ब्लैकेट्स पर मैंने टिच बटन अटैच कर दिए थे और अगर आप लोग कलरफुल बटन भी लगाना चाहें तो वो भी बड़े अच्छे लगेंगे, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं लगाए। और ये आ गया इसका कॉलर, देखे कितना प्यारा लग रहा है लेस के साथ, इसका थोड़ा सा और इसकी लुक अच्छी आ रही है। इस तरह से अगर लेस लगा लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। और ये है इसका दामन और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।